महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर लेटे होने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है और इस प्रसंग के मुताबिक भीष्म को बाणों की सैया पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करना पड़ा था। महाभारत युद्ध से जुड़े प्रसंगों में भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिलने के वजह के बारे में भी बताया गया है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। यह प्रसंग जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम यह समझ सके कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें अगले जन्मों तक भी मिलता रहता है। भीष्म पितामह बड़े ही तपस्वी थे, पराक्रमी थे। उनका मानना था कि उन्होंने अपने कई जन्मों में कोई बुरा काम नहीं किया है, लेकिन सच यह नहीं था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाणों की सैया पर पड़े होने की वजह पूछी थी। भीष्म का कहना था कि मैंने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलती नहीं किया है, मैंने सदा दूसरों की मदद की है, इसलिए मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। और तब भीष्म की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आपने 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पिछले 101 जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है और आपको उसी अपराध का सजा मिल रहा है। श्री कृष्ण ने बताया कि आप 101वें जन्म में एक बार शिकार करके लौट रहे थे। उस वक्त एक करकेटा पक्षी आपके रथ से गलती से टकरा गया था और इस पर आपने अपने बाणों से उस करकेटा पक्षी को रथ से नीचे गिरा दिया था और फिर वह पक्षी नीचे कांटों की झाड़ियों में जा गिरा था और उसमें वह 18 दिन तक फंसा रहा और तब उस पक्षी ने आपको यह श्राप दिया था कि आप भी एक दिन यह दर्द जरूर झेलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहने की वजह से भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली थी। दोस्तों, यहाँ हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि महाभारत के भीष्म पितामह के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।